आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लगन, वृषभ राशि पर राहु केतु का गोचर 2020-21 में कैसा फल देगा उसके बारे में। उससे पहले मैं बता दूं, आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के नीचे अपना कमेंट करके डिटेल दे, जिससे आपका कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। और इस वीडियो के बाद जस्ट एक कुंडली है, एक कुंडली के बारे में विश्लेषण किया गया, उसके बारे में बताया गया, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो पर बने रहें। शुरुआत करते हैं। राहु आपका वृषभ लगन में ही गोचर करने वाला है। मिथुन राशि से राहु आने वाला है वृषभ राशि पे और धनु राशि से केतु जाने वाला है वृश्चिक राशि में। लगन और सप्तम भाव काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। इससे आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वृषभ राशि वालों, वृषभ लगन वालों, उसके बारे में बात करेंगे। यह बदलाव 23 सितंबर 2020 को होने वाला है और यह बदलाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपके लिए। देखिए, राहु जब लगन में आएगा आपके ऊपर तो विदेश का योग, कोई छोटी मोटी यात्राओं का योग बन सकता है, यात्रा कर सकते हो। पंचम भाव को राहु अपनी दृष्टि से, लगन से बैठकर पंचम भाव को देखेगा तो प्रेम संबंध का योग बनता है। अचानक से किसी से प्रेम संबंध हो सकता है, या फिर अगर आपका प्रेम टूट चुका है कुछ महीनों पहले तो वापस होने के योग बन सकते हैं। अचानक से वो आपके ज़िंदगी में वापस आ सकता है। शादी के योग बना सकता है राहु, अचानक से आपके सप्तम भाव को देखेगा तो अचानक से शादी के योग बनेंगे, व्यापार के योग बनेंगे। कोई नया बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें अचानक से योग बनेगा और व्यापार करने का योग बन रहा है। भाग्य को देखेगा अपने नवम दृष्टि से मकर राशि, मित्र राशि को, तो भाग्य में वृद्धि करेगा आपके राहु और अचानक लाभ भी देगा। वहीं केतु आपके सप्तम भाव में बैठा है जो आपके पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा और अपने गुरु, अपने मित्र राशि को देख रहा है, इसके कारण आपको अचानक से लाभ प्राप्ति करवाएगा। लगन को देखेगा तो लगन को देख के सप्तम भाव से जब लगन को देखेगा तो आपके मैरिज के योग बनाएगा, आपके तरह तरह के पार्टनरशिप के योग बनाएगा और छोटे मोटे काम आपके बनाते रहेगा। डेली रूटीन लाइफ को उच्च कर राहु आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देगा। वहीं बात करते हैं आपके नवम दृष्टि से आपका देखेगा यह पराक्रम भाव को, तो आपके अंदर इतना पराक्रम केतु भर देगा कि आप अगर कहीं डिस्टर्ब थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे तो वो आपके बाहर आ जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव से राहु निकलकर सप्तम भाव में आएगा तो आपके अष्टम के फलों को नेग्लेक्ट करेगा, कम करेगा और सप्तम भाव के फलों को एक्टिवेट कर देगा। अब बात करते हैं कुंडली के बारे में। वृषभ लगन, वृषभ राशि वालों, यह साल आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है राहु केतु के गोचर के हिसाब से और आपको हमेशा धन लाभ, व्यापार में लाभ, धन लाभ, व्यापार लाभ, पार्टनरशिप में लाभ, विदेश के योग में लाभ और अचानक लाभ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। बस इतना ही ध्यान रखना है, कोई अगर आप बाइक चलाते हो तो स्पीड में ना चलाएं, क्योंकि राहु आपको अचानक से कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी दे सकता है। लगन में बैठ जाने से छोटा मोटा दिक्कत समस्या दे सकता है, इसलिए आप इस चीज़ में ध्यान रखें। बात करेंगे एक कुंडली के बारे में, बने रहे वीडियो पर और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करेंगे एक कुंडली के बारे में जिनका जन्म हुआ 29 मार्च 1992, 4:13 सुबह का, खुर्दा उड़ीसा के अंदर। इनका कुंडली बनता है कुंभ लगन का, राशि इनका मकर राशि बनता है जो इनके ऊपर 7.5 अभी चल रही है। 2018 से 2020 में इनका दिमाग बहुत इधर उधर घुमा है, यह कर लूँ, वो कर लूँ, वो कार्य कर लूँ, वो कार्य कर लूँ, लेकिन कोई काम नहीं बना है। राहु की दशा चलने का के कारण अप एंड डाउन भी थोड़े बहुत आए हैं, क्योंकि राहु इनका नीच का भी हो चुका है और कर्क राशि इनकी कारग्रह जो चल रहा है अभी शुक्र है इनका कुंडली में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल शुक्र निभा रहा है जो इनका बैठ चुका है यहाँ पर इनका शुक्र बैठ चुका है। और इनका जो राजयोग बनता है, बुध आदित्य राजयोग बनता है सेकेंड घर में, धनभाव के अंदर बुध आदित्य राजयोग बनता है, लेकिन पन्ना रत्न ये नहीं दान कर सकते हैं। अगर पन्ना रत्न दान करेंगे तो इनको स्किन इश्यूज आएंगे, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक बुध बनता है। ये एडवोकेट का पूछे थे, यस एडवोकेट ये जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलेगी, लेकिन विष दोष इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा। चंद्रमा का मंत्र पढ़ना है, चंद्रमा का मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। भाग्योदय इनका 32 साल के बाद भाग्योदय हो जाएगा और पन्ना स्टोन ये नहीं पहन सकते हैं। इनकम के सोर्स तभी बढ़ेंगे जब ये ओपल रत्न धारण करते हैं। ओपल रत्न जरूर पहने, ओपल पहनने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके स्टोन ले सकते हो। और विष दोष के लिए आप चंद्रमा को शांत करें, उनका मंत्र जाप करें। कुंडली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शुक्र मंगल लगन में बैठ जाने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, इनको बहुत ऑफर मिलेंगे, इनकी प्रॉपर्टी इनकी काफ़ी बनेगी, चौथे घर से आपको देखेगा। और मालव्य राजयोग भी बनता है कुंडली में, नवमांस चार्ट के अंदर शुक्र आपका मालव्य राजयोग बनाता है।
इसलिए शुक्र का ओपल रत्न जरूर धारण करें और नक्षत्र में और आप अपने नाम से अभिमंत्रित करवा कर पहने, नहीं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और मंगल आपका काफ़ी ज़्यादा दशम भाव का मालिक, पराक्रम भाव का मालिक लगन में बैठ जाने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी के राजयोग आपकी कुंडली में बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में एक कुंडली के साथ। फिर से वीडियो के नीचे कमेंट करें, डिटेल डालें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।